डरपोक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओ भाई साहब जरा बता, बिल्कुल नहीं है। आज ही दो बार डराया मैंने एक ही बार। कभी कभी मैं थोड़ा ड्रामा करता हूँ, पर कभी कभी ठीक है, कभी कभी कहने देते हैं, छोड़ दो। एक बार मैंने प्रैंक किया है बहुत अच्छा वाला, फिर मेरा दूसरा प्रैंक फेल हो गया था, उन्होंने मेरे बंदे रिवेंज लिया था। तो आई थिंक बोथ आर वेरी गुड प्रैंक्स। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बिना किसी यू नो चिल्लाने के या फिर बिना किसी वायलेंस की चीजें सॉल्व हो जाए। Who gets into problems easily? Siddharth Nigam. Who is the biggest prankster? Thank you so much. I am also like equally kind of maintain it. एक बार मैंने प्रैंक किया बहुत अच्छा वाला, फिर मेरा दूसरा प्रैंक फेल हो गया था, तो उन्होंने मेरे बंदे रिवेंज लिया था। तो आई थिंक बोथ आर वेरी गुड प्रैंक्स। Any interesting prank that you guys would like to share with your fans? Minky Minky ke saath, if you remember, Sweetie Meetie jo play karti hai show mein. Jamare show mein Sweetie Meetie play karti hai Chinky Minky. So unke saath hum bahut sare pranks karte hain, wo bhi hamare bahut sare pranks karti hain. Logo bahut pasand aate hain hamare pranks. So actually silsila wahi se shuru hua. Acha. Siddharth ne fir unke upar prank kiya. फिर उसके बाद मैंने भी उनके ऊपर सेट पे प्रैंक किया, वो बहुत ही फनी प्रैंक था। सिद्धार्थ ने शायद पूरा अपना मेकअप किट उठा के उसने अपने फोटो पे ऐसे ब्लड लगा लिया एंड ही सेड दैट वो इंजर्ड हो गया एंड एवरीबॉडी गॉट पैनिक एंड देन सब लोग भागते हुए आए। वो तो कुछ ज्यादा ही रियल सिचुएशन बन चुकी थी, एवरीबॉडी वाज बहुत मजा आया था, वेरी वेरी यू नो डिस्टर्ब कर रही है, क्या हो गया, कल शूट नहीं होगी, चोट कैसे लग गई। तो चिंकी मिंकी भी एकदम परेशान हो गई थी, उनके आंखों में आंसू आने वाले थे। Who is a goofball? I think we both. Yeah, we both. Who is most short-tempered? Actually, we both are very, you know, quiet and polite on set. And because we are working in a very professional and, you know, polite environment also. And everybody is so nice with us. But I think on set, if I talk about, there's nothing that happened that has made us lose our tempo. बट ऑफकोर्स अगर शॉर्ट टेम्पर की बात आती तो आई थिंक जब कुछ ज्यादा ही कहीं पे भी बदतमीजी होती है तो गुस्सा आता है, तो आई थिंक आई एम लिटिल शॉर्ट टेम्पर, लोग मुझे ऐसा कहते हैं, बट आई एम नॉट। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बिना किसी यू नो चिल्लाने के या फिर बिना किसी वायलेंस की चीजें सॉल्व हो जाए। द वन विद द लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्रशेस, मतलब अगर मैं अगर अपने दोस्तों के साथ हूँ तो आई विल बी दैट, अगर ये अपने दोस्तों के साथ हूँ ही विल बी दैट, एंड आई थिंक क्योंकि वो कुछ भी जैसे उसको दिखता कुछ भी अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ही कैन नॉट रेजिस्ट गेटिंग इट, और मतलब ज्यादा सोचेगा नहीं एंड देन ही विल गेट इट। आई विल थिंक बिफोर बाइंग एनीथिंग, लाइक यू नो बहुत ज्यादा ही लाइक यू होम द वन हु इज मोस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड। ड्रामा किंग इधर मैंने कुछ बोले ही नहीं, कभी कभी मैं थोड़ा ड्रामा करता हूँ, पर कभी कभी ठीक है, कभी कभी कहने देते हैं, छोड़ दो। बिगेस्ट डरपोक? हेलो, नो नहीं, डरपोक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओ भाई साहब जरा बता, बिल्कुल नहीं है। आज ही दो बार डराया मैंने एक ही बार में, एक ही चीज़ से। आई हैव दिस फियर ऑफ यू नो स्नेक्स एंड टाइल्स। स्नेक फियर तो मुझे भी है, बट ऐसे मतलब आज तो भयंकर डर है, नहीं डरता। हाउ हैव यू बीन हिज गुरु इन रियल लाइफ एंड व्हाट डिड यू टीच हिम? सी एज अ एज एन एल्डर ब्रदर, there are a lot that has happened in life that I've seen much earlier. So I always share my experiences with him, you know, like how I passed my boards, how I passed my, you know, college, what happens there, what you know, how you deal with life, how you make friends, all the filters that all that should be applied in life, that or the mistake that I've made in life, I always think ki wo se na ho. तो एज एन एल्डर ब्रदर जो मैंने 4 साल आगे की लाइफ देखी हुई है, मैं कोशिश करता हूँ कि यू नो थोड़ी आगे लाइफ की रही। तो मैंने मतलब यू नो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो दादा मुझे बहुत बताते रहते हैं, जैसे कि यू नो ऑल दैट कॉलेज बडी जो होते हैं उनके साथ पार्टी करना। वो तो मैंने कभी किया नहीं है, बिकॉज मैं कॉलेज में पढ़ता था बट मैं कभी कॉलेज गया नहीं, बिकॉज ऑफ दैट मेरे इतने बडीज नहीं बने कॉलेज बडीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में बनना, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। आई थिंक वो एक्सपीरियंस ज़्यादा मुझे बताते रहते हैं कि ये होता है, ऐसे होता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती हैं। एनी मैसेज फॉर योर फैंस? Like the love and the blessings that we are receiving from you guys are just you know amazing. और उसी की वजह से हम शायद इतनी मेहनत कर पाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको ढेर सारा entertainment पहुँचाएं, और जिस तरह से आपने हम दोनों को प्यार दिया है और हीरो गाय मोर ऑन को इतना अच्छा शो बनाया है, और बहुत लोग आते हैं हमसे मिलते हैं, आप इतना प्यार बांटते हैं, बहुत खुशी होती है।
और हम इसी तरह ढेर सारी मेहनत करते रहेंगे, आपको ढेर सारे एंटरटेनमेंट देते रहेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां लाते रहेंगे। डेफिनेटली एंड ऑलवेज आप लोग हमारे लिए इतनी प्रेयर करते हैं कि हम लोग हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और आप लोग को हमेशा एंटरटेन करते रहें, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच दिल से। एंड यस, कीप वॉचिंग हीरो गाया मोड ओनली ऑन सोनी सावरी 88.8 FM।